नमस्कार सदगुरु आप शास्त्रीय संगीत काफी सुनते हैं क्या आपको लगता है कि इसमें किसी रोग को ठीक करने की शक्ति यहाँ है First, पहले ये समझते हैं कि संगीत क्या है संगीत ध्वनियों की एक तरह की व्यवस्था है अगर आप ध्वनियों को एक तरह से व्यवस्थित करते हैं तो वो शोर बन जाएगा अगर आप ध्वनियों को दूसरे तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो वो संगीत बन जाएगा आज बहुत सारे शोर को संगीत माना जा रहा है ठीक है अगर आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ पता है तो आप देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत के पीछे बहुत अधिक मात्रा में गणित शामिल है इसका एक ढांचा होता है एक गणितीय ढांचा बनाया जाता है जहां तक मेरी बात है जब मैं किसी वाकई अच्छे गायक को गाते हुए देखता हूं तो मेरे लिए उससे एक पूरी ज्यामिति उभर कर आती है तो एक तरह से आप ध्वनि के रूप में फिर से सृष्टि का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कोई संगीतकार कितनी गहराई से उसमें वो कितना आगे जा सकता है ये कहा नहीं जा सकता लेकिन आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं आप ज्यामितीय पैटर्न्स की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी जटिल पैटर्न्स जो सृष्टि के रूप में संभव हैं, क्योंकि सृष्टि बस ध्वनियों का या स्पंदनों का एक जटिल मिश्रण है तो आप निश्चित रूप से जानते हैं शब्दों को छोड़ दीजिए मेरा मतलब अगर भावनात्मक शब्द मौजूद हैं तो लोग उससे थोड़े थोड़े भावुक हो जाते हैं तो वो अलग बात है वे लोग उसे अर्थ दे रहे हैं बिना किसी शब्द के भी संगीत आंसू ला सकता है संगीत आनंद ला सकता है संगीत प्रेम ला सकता है संगीत लोगों में मूड भावनाएं और अनुभव पैदा कर सकता है बस ध्वनि से ही शब्दों का इस्तेमाल किए बिना शब्द यानी ये मानसिक पैटर्न है ध्वनि यानी ये अस्तित्व से जुड़ा पैटर्न है तो इसलिए ऐसा संगीत जिसमें शब्द नहीं होते बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर भारतीय संगीत काफी हद तक ध्वनि है यहां वहां कुछ शब्द होते हैं पर ज्यादातर ध्वनि क्योंकि साउंड इज एन एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर ध्वनि एक अस्तित्वगत संरचना है शब्द किसी शब्द का अर्थ एक मानसिक संरचना है अगर मैं अगर मैं तमिल में गीत गाता हूं तो आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि शायद आप वो भाषा नहीं समझते अगर आप किसी दूसरी भाषा में गाते हैं जो मैं नहीं जानता तो मेरे लिए उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि मुझे मतलब नहीं समझ में आता लेकिन ध्वनि की प्रकृति ऐसी नहीं है अगर ध्वनि को एक विशेष जामिति में व्यवस्थित किया गया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ये आपकी भावनाओं को नहीं छूता लेकिन ये आप जो हैं उसके अंतरतम को छू लेता है उस मौलिक तरीके से जिस तरह से यह सृष्टि यहां घटित हुई है तो यह जीवन को छूने की एक कोशिश है यह कोशिश है जीवन की नकल करने की एक अलग रूप में जो एक जबरदस्त चीज है और क्या लोग इससे स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल अगर आप सही पिच को छू लें